आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है, मिथिलेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। पेट की हालत तो ये थी कि पानी तक भी पच नहीं रहा था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई भी मेरी इस बीमारी को जड़ से मिटा नहीं सका। मगर जब मैंने इस बात का जिक्र अपने एक फ्रेंड से किया तो उसने कहा, एक काम कर, तो श्यामपुर चला जा, वहाँ एक होम्योपैथी डॉक्टर है, शायद वो कुछ कर सके। फिर अपने दोस्त से पूरा पता लेने के बाद मैं श्यामपुर के लिए रवाना हो गया। तकरीबन 5.5 घंटों के सफ़र के बाद मेरी ट्रेन श्यामपुर स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही जब नज़र घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था 9:45 का। मगर पूरा स्टेशन इस कदर सुनसान था जैसे बहुत रात हो गई हो। खैर, मुझे लगा शायद गांव का स्टेशन होने की वजह से ऐसा होगा, तो मैं इन सारी चीज़ों पर उतना ध्यान ना देकर स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगा। स्टेशन से बाहर निकलकर जब इधर उधर देखा तो बाहर का नज़ारा भी स्टेशन जैसा ही था, मतलब कि बाहर भी सन्नाटा फैला था। उस वक्त वहाँ मेरे अलावा और कोई जिंदा आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक चाय वाले को छोड़कर जो कि अपनी दुकान में अकेले अकेले बैठकर रेडियो में गाने सुने जा रहा था। लिहाजा मैं उस चाय वाले के पास गया और मेरे दोस्त के बताए एड्रेस की पर्ची दिखाते हुए कहा, अरे भैया जरा देखना तो, आपको ये जगह पता है क्या? जिस पर उस चाय वाले ने पर्ची को हाथ में लेते हुए कहा, हाँ ये जगह तो मैं जानता हूँ, यहाँ से सीधे चले जाइए, आगे आपको एक मोड़ दिखेगा, वहाँ से दाएं चले जाना। और हाँ, अभी तो डॉक्टर नहीं होंगे तो होटल भी वहीं पर है जहाँ आप रात भर रुक सकते हैं। उस चाय वाले की बात को अच्छे से समझने के बाद मैं बिना देरी किए आगे बढ़ने लगा। चूँकि उस रास्ते पर चलने वाला मैं इकलौता आदमी था तो कहीं ना कहीं मुझे घबराहट सी हो रही थी, पर क्योंकि मैं इस जगह के लिए बिल्कुल अनजान था तो ऐसे में सिवाय आगे बढ़ने के मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां से उस चाय वाले ने मुझे दाएं जाने को कहा था। लिहाजा मैं वहां से दाई ओर मुड़ गया। अब मैं जिस रास्ते पर था वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से नज़ारा निहायत ही डरावना था। ऐसा दृश्य देखकर दिल कह रहा था कि आगे ना जाऊं, मगर वहीं दिमाग कह रहा था कि मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आजू बाजू कहीं कोई घर या होटल वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने दिमाग से काम लिया और तेज कदमों से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2-4 कदम चला ही था तभी मुझे किसी पेड़ की डाली के चड़मड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौकन्ना हो गया और हैरानगी भरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखने लगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और इतनी तो कतई नहीं कि किसी पेड़ की डाली को हिला सके। अभी मैं उस आवाज़ के जरिए को ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पास ही में एक बड़े से लोहे के गेट पर गई जिसके ऊपर लिखा था श्यामपुर कब्रिस्तान, और ठीक उसी गेट के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी डाली पकड़कर लटक रहा था एक कंकाल। ये देखकर मेरे होश फाकता हो गए, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं जानता था
कि यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना, मगर अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उस कब्रिस्तान को पार करके आगे चला जाऊं, तो मैं दबे पैर पीछे हटने लगा। वहां से थोड़ा पीछे हटने के बाद मैंने आव देखा ना ताव और स्टेशन की ओर सरपट दौड़ लगा दी। फिर जब मैं भाग कर उस चाय दुकान के पास पहुंचा और चाय वाले को पूरी बात बताई तो उसने मुझे पास ही में लगी एक बेंच पर बिठाया। उस बेंच पर बैठा मैं माथे का पसीना पोंछ ही रहा था तभी उस चाय वाले ने चाय बढ़ाते हुए कहा, साहब कहीं वो कंकाल ऐसा तो नहीं दिख रहा था। ये सुनकर मैंने झट से उस चाय वाले के हाथ की ओर देखा तो उसका पूरा हाथ अब हड्डियों में तब्दील हो चुका था और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर भी कंकाल बन चुका था। ये देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई जिस पर उन्होंने कहा, दरअसल वो चाय वाला यहाँ अपनी दुकान लगाया करता था मगर किसी बात को लेकर घर वालों से उसकी कहा सुनी हो गई और उसने उसी कब्रिस्तान के पास वाले पेड़ पर खुद को लटकाकर मार लिया। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।